नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बार त्रासदी का दौर इस बरसात में भी शुरू हुआ है, जो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। आज रात से जिस प्रकार से बारिश हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों में हुई है, जिसके कारण बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई है। अभी तक जो जानकारी मिली है, 50 लोगों की मिसिंग, यानी कि जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, वो खबर मिली है, और 2 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई, ये भी खबर हमको प्राप्त हुई है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी बारिश के दौरान वो एहतियात के साथ अपना दिनचर्या का काम करें, और विशेष तौर से ऐसे इलाके में ना जाएं जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो, नदी हो, नाला हो। और उसके साथ साथ में ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं, जो आए हुए हैं, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित स्थान पर रहें, और ज़्यादा कोशिश ना करें इस वक्त जो है बाहर की मूवमेंट पे जाने की, क्योंकि अभी तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बारिश का ये दौर अभी तक 3 दिन तक और भी चलने वाला है। आज सुबह मेरी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी बातचीत हुई, और मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि जो नुकसान हुआ है उसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो परिवार के सदस्य खोए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है, और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है वहां पार्टी के हमारे सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, पंचायत के प्रधान और उसके साथ साथ में स्थानीय लोग मिलकर के काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मदद लोगों को करें उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, और राहत कार्य में जो मदद जिस रूप में हो सकती है उस मदद को करने की कोशिश करें। ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी आग्रह किया है, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने विशेष तौर से हिमाचल के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो रिक्वायरमेंट्स दी गई है उनको पूरा करने के लिए तुरंत आदेश कर दिए हैं। हेलीकॉप्टर उपलब्ध करने की बात भी कही गई है, NDRF की टीम जो है वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही है, और प्रधानमंत्री जी से भी मुख्यमंत्री की बात हुई है, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए भरोसा दिया है, विश्वास दिया है कि वादा किया है कि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो भी केंद्र की ओर से किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मेरा हिमाचल के सभी भाई बहनों से इस बात के लिए निवेदन है कि बारिश का ये दौर जो अभी चला है इसमें एहतियात के साथ आप रहें, और अनावश्यक रूप से ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, नदी नाले के करीब, और कुछ जगह ऐसे जहाँ भूस्खलन हर बार होता है, उन स्थानों को अवॉइड करें। धन्यवाद।